गहलोत ने सचिन पायलट को पूरी तरह से लगाया किनारे। कांग्रेस ने 8 कमेटियां बनाई, किसी की कमान पायलट को नहीं। गहलोत और उनके समर्थकों को 5 कमेटियों में मिली कमान। राजस्थान विधानसभा चुनाव की पूरी कमान अब अशोक गहलोत के हाथ में आ गई है। इस बात के संकेत तो पहले ही मिल रहे थे कि और अब कांग्रेस ने चुनाव के लिए जो 8 कमेटियां बनाई हैं उसके बाद तो ये पूरी तरह से साफ हो गया कि पायलट और ज्यादा कमजोर हो गए। तो गहलोत का दबदबा चुनाव के समय में भी कायम है, क्योंकि जिन 8 कमेटियों का गठन किया गया है उसमें सचिन पायलट को किसी भी कमेटी की कमान नहीं दी गई, जबकि पार्टी के लगभग हर वरिष्ठ नेता पर एक एक कमेटी की कमान सौंपी गई है। सिर्फ पायलट को ही इससे दूर रखा गया। पायलट को सभी 8 कमेटियों में सदस्य के तौर पर जगह दी गई है, और वो भी इसलिए मिली है क्योंकि पार्टी के नियमों के अनुसार राज्य से जो भी व्यक्ति CWC का मेंबर होता है वो राज्य में बनने वाली हर चुनाव समिति का मेंबर भी अपने आप ही बन जाता है। यानी पायलट को कमेटियों में जगह एक्स ऑफिशियो मेंबर होने के नाते मिली है। अगर पायलट CWC के मेंबर नहीं होते तो शायद उन्हें कमेटियों में सदस्यता के तौर पर भी जगह नहीं मिलती। हाईकमान ने पायलट और गहलोत के बीच संतुलन बनाने के लिए 2 कमेटियों की कमान पायलट समर्थकों को सौंपी है, लेकिन ये दोनों ही कमेटियां अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पायलट समर्थक मंत्री मुरारी लाल मीणा को पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का अध्यक्ष और प्रमोद जैन भाया को प्रोटोकॉल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव कमेटियों के अध्यक्ष बनाए गए नेता हर कमेटी में एक्स ऑफिशियो के मेंबर रहेंगे। जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें गहलोत समर्थकों का दबदबा दिखाई दे रहा है। CM अशोक गहलोत के पास कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान रहेगी, जबकि सबसे महत्वपूर्ण कोर कमेटी का संयोजक सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया। विधानसभा स्पीकर CP जोशी को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष, हरहरीश चौधरी को स्ट्रेटेजिक कमेटी का अध्यक्ष और ममता भूपेश को मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये सभी गहलोत समर्थक माने जाते हैं। इसी तरह से गहलोत समर्थक 2 दलित नेताओं को कमेटियों की कमान सौंपी गई है। गोविंद मेघवाल को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, ममता भूपेश को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। चुनावी कमेटियों में दलित, स्वर्ण, जाट, वैश्य, ब्राह्मण, OBC वर्ग से एक एक अध्यक्ष बनाया गया है। जिस तरह से चुनाव कमेटियों का गठन किया गया है उसके बाद पायलट समर्थकों में चिंता दिखाई दे रही है। वैसे पायलट को हाईकमान पर अभी भी भरोसा है, जिसने उन्हें आश्वासन दिया है कि चुनाव में उनके समर्थकों का टिकट वितरण में पूरा ख्याल रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पायलट को आश्वासन दिया गया है कि उनकी सिफारिश पर 35 से 40 लोगों को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उन नेताओं के नाम पार्टी के सर्वे में टॉप पर होने चाहिए। अगर सर्वे में कोई हारता दिखेगा या कमजोर उम्मीदवार होगा तो उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। वो उम्मीदवार चाहे किसी भी गुट का क्यों ना हो, पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट उसी को मिलेगा जिसमें जीतने की क्षमता होगी। कमजोर उम्मीदवार पर पार्टी दाव नहीं लगाएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार पार्टी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को बदलने पर भी विचार कर रही है, जिसमें 40 से ज्यादा विधायक भी शामिल है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि राज्य में अशोक गहलोत के खिलाफ जनता में किसी तरह का गुस्सा नहीं है, गुस्सा स्थानीय नेताओं के खिलाफ है। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पार्टी की सबसे ज्यादा चिंता जमीनी स्तर पर आ रहे सर्वे ने बढ़ा रखी है, क्योंकि अभी तक जो सर्वे सामने आए हैं उसमें BJP को कांग्रेस पर बढ़त दिखाई गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी भी अशोक गहलोत राज्य में सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं। टॉप 3 लोकप्रिय नेताओं में 2 नेता कांग्रेस के हैं। राज्य में गहलोत के बाद लोकप्रियता के दूसरे नंबर पर BJP नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है, और तीसरे पर सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।